मार के इसका इंजन माशाल्लाह बहुत प्यारा है। बस हमारे नौजवान लड़कों ने उसको ड्रिफ्टिंग में डाला हुआ है, लेकिन इसका इंजन बहुत पावरफुल होता है। असली करंट है। कहने की तो डर चेक करना। नहीं शेरा की गल्ला करेगा, कुत्ते वाला मुंह लेके। ओए बड़े भाई, तू मुझे दस ए मुंह जरीर करने लगा है। ए आप जरीर होने वाला मुंह नहीं नहीं छेड़ू। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, लैंडमार्क कराना इतना जरूरी है ना कि आप लोगों की सोच है, अगर लैंडमार्क नहीं ना कराते, व्हील बैलेंसिंग नहीं कराते, तो खड्डे में जब आपकी गाड़ी लगती है ना, आधी गाड़ी इधर जाती है आधी उधर जाती है। और मेरी गाड़ी का लैंडमार्क इतनी आउट है ना कि यकीन मानो मैं कैसे कटिंग करता मुझे पता है। रियल व्हील ड्राइवर ट्रैक्शन भी ऑफ है तो बड़ा मसला बनता है। आप मेरे मोस्टली एक सवाल करते हैं कि मैं ट्रैक्शन को ऑफ की हुई, ये बड़ा खतरनाक है। तो अगर आप लोगों ने ड्रिफ्ट करनी है तो ट्रैक्शन ऑफ करानी पड़ती है। ट्रैक्शन के अंदर बटन होता है, वो अगर ऑफ कर दो भी दो तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। हमने इसे परमानेंटली जांच करवाने के लिए पिछले तार ही काट दिए ट्रैक्शन वाली, ताकि हमारी गाड़ी किसी भी मोड़ पे किसी भी वक्त घूमती रहे। और DSC लिखा आता है स्क्रीन पे, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा जो बज्र होता है ऐसे ऐसे करके, इसका मतलब वो कह रहा है ट्रैक्शन ऑफ है, ट्रैक्शन ऑन करें। एक मेन बात आप लोगों से करूं कि सैटरडे को हम किंग स्क्रू का स्टिकर रिवील कर देंगे और जो हम अपनी गाड़ियों पर लगाएंगे, और उसके बाद सैटरडे संडे को हमने शो पे जाना। तो सैटरडे को मे भी इतनी ड्रिफ्टिंग ना हो जितनी नॉर्मल डेज में होती है, क्योंकि सब ने अपनी गाड़ियाँ संभाल के रखने, कहीं लग ना जाए। उससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए एक वो इंस्ट्रूमेंट मैंने मंगवाया, वो आपको मैं चेक कराता हूँ। उमर दिखाई, ये नज़र आ रहा है आप सबको, ये मैंने मंगवाया था पॉकेट डॉट नाइफ से, ठीक है। मैं नीचे नाम लिख दूंगा तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अगर आप लोगों ने लेना हो तो आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये मैं आप लोगों के सामने ही इसको खोलता हूँ। खोला मैंने वैसे पहले भी था, लेकिन मैंने पैक किया हुआ था, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा के एक दफ़ा ना, फिर निज़ामी वाला शुरू करते हैं, दिखाता हूँ मैं। ये है और ये इसका बटन है ऑन करने का, ठीक है। यहाँ से ऑन किया, ऑन हो गया अब, लेकिन ऐसे करंट के झटके नज़र नहीं आएंगे आप लोगों को इसके लिए ना, मैं ऐसे पता ही नज़र आते हैं कि नहीं आते, तो इसके लिए मुझे वो ऑफ करनी पड़ेगी टॉर्च की फ्लैश लाइट जो चल रही है ना बैक से। हमें फ्लैश लाइट ऑफ करके ना, ऑफ करके आप लोगों को फिर चेक करवाता हूँ। ये रहा। अच्छा, ये कितने का झटका पड़ता है इस पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 12,000 के किलोवाट ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, 928 टाइप, या आप लोग पढ़ सकते हो खुद भी अगर नहीं यकीन आ रहा, और बना था वोट जो भी बट एवर, मुझे इस चीज़ का इतना इलम नहीं है। तो अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद आज हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे अपने हाथी, यानी जिन पे हम इसको ऐसे करके लगाएंगे, अगर वो हिलेगा उसको बताए बगैर हम लगाएंगे, अगर वो हिलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये कामयाब है, अगर नहीं हिलेगा तो फिर, लेकिन मुझे पता वो हिलेगा, जरूर हिलेगा, तो हम उस पर इसको उस पर टेस्ट करेंगे। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। अब मैंने मेन बात ये करनी थी, आप बहुत से लोग ये करते हैं, कंपेयर करते हैं RX-8 को और मार्केट को कंपेयर करते हैं। देखो यार, दोनों को कंपेयर करना बनता नहीं है। देखो, मार्केट की एक अलग कैटेगरी है, RX-8 की एक अलग कैटेगरी है, वो सेडान कार में आती है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है, ड्रिफ्ट कैटेगरी का आप लोग कह सकते हो उसको। और लेकिन मार्केट का सीन ये है कि मार्केट का इंजन माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बस हमारे नौजवान लड़कों ने उसको ड्रिफ्टिंग में डाला हुआ है, लेकिन उसका इंजन बहुत पावरफुल होता है, 303 GR, वेरी वेरी पावरफुल। तो ये सीन है, और RX-8 का इंजन बेकार आता है, तो इसको लोग ज़्यादा वो करते हैं, स्वैप कर देते हैं, और 2JZ V8 जो उनका जहन, जिनकी जिसकी जो सी जहनीत चलती है, उस हिसाब से इंजन स्वैप कर लेते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोग इसको कंपेयर ना किया करो, दोनों अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। और RX-8 जो है तो वो बहुत लाइट वेट है एज कम्पेयर टू Mark X, क्योंकि इसमें ना मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो दूसरे फाइबर टाइप की लगी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, तो इस वजह से ये गाड़ी ना आराम से ड्रिफ्ट वगैरह मार लेती है। तो बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैंने मार्केट क्यों नहीं ली, मैंने RX-8 क्यों ली। तो यार देखो, मैं ना शुरू से चाहता था मेरी गाड़ी जो है ना, वो मतलब मुझे स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं स्पोर्ट्स कार ले सकूँ, तो मेरी जो रेंज के अंदर आई थी वो यही था कि मैं इसको लेके इसी को अच्छे तरीके से तैयार करूँ, ये ऐसी स्पोर्ट्स कार लगे कि मतलब मज़ा आ जाए एक दफ़ा देख, डेली ड्राइवन भी हो और मतलब इन्जॉय का इन्जॉय, शुगर का शुगर भी लगता रहे। तो डेट्स द रीज़न मैंने RX-8 ली, क्योंकि Mark X तो जितनी मैं RX-8 आ रही, तो मैं मेरी Mark X भी आ सकती, जितने पैसे मैं इस पर लगाता हूँ तो वो आराम स्कूल से आ सकती थी, बट RX-8 इज माई लव। अच्छा, एक बात आप लोगों ने गौर किया, आपको भाई इस पुल पे ड्रिफ्ट मारेगा, जैसे ये मोड है ना ऐसे करके जा रहा है, उस साइड में मैंने एक दिन लाइव वाइड स्पीड में आगे मारनी है, मैंने उम्र को खड़ा करना, उम्र वीडियो बनाएगा, वैसे मैं करते करते ऐसे, लेकिन आप लोगों ने मानना नहीं है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। आप लोगों के बात तो दाना में भूल ही गया कि लैम्बोर्गिनी आपके भाई ने सेल कर दिया है, वो लग रहे हैं होंडा रिबॉन को, काफी देर के मैंने सेल करते थे, लेकिन मैंने आज लिया उनको शो से पहले, मैंने कहा चलो लेके जाने हैं, तो उस बेचारे ने भी गाड़ी तैयार करनी थी। आप लोगों को उसकी गाड़ी दिखाते हैं, क्या प्रोसीजर है क्या नहीं वो भी दिखाते हैं। ऐसा हो किसी दिन आपको भाई अपने ATM गाड़ी भूल जाए, इसके बगैर तो मैं जीरो, मेरे पास तो चेकबुक नहीं है। ATM नहीं चला, जनरल प्रोसेसिंग एरर आ गया। ATM
एटीएम हाँ हाँ वो आगे एमसीबी का भी था लेकिन हम मेन पे हो गए तो हम आगे जाके मार लेंगे। फिलहाल जाएंगे जरा जूस वूस ले के उसके बाद आगे लेमन खा के फिर लेमन रोड दिखाने आपको। मैंने कहा अलाइनमेंट करवा लूँ ना यार एक दफ़ा ताकि मेरी टेंशन उतर जाए, फिर कल गाड़ी पेंट के लिए दे दूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह लश्कारे मारते हुए लेके जाएंगे। और अभी लगे कल बात चाहिए गंदी फिर भी हो गया। आपको अगर लेमडोल दिखा रहे हैं ना लेमडोल लगाऊंगा। अच्छा आप लोग मोस्टली लोग ये भी कहते यार इसको लेमडोल लगाऊँ, धमाका बड़ा करूंगा लेकिन थोड़ा लेट करूंगा। फ्रंट वाला करवा लिए, ये ड्रिफ्ट है मार मार कर टायर ही टेढ़ा हो गया था ना अंदर की तरफ तो पीछा हो गया था। कैम्बर नहीं करते इसको ऑटोमेटिकली कैम्बर वो हिसाब हो गया था। बैक कलर इतना नहीं होता, फ्रंट वाला ज्यादा हो गया। जब आपका भाई ना चेकिंग पे निकला लेकिन ना मेरा जहाँ तक ख्याल है स्टीयरिंग इसका टेढ़ा होगा। एक सेकेंड, हाँ स्टीयरिंग इसका हल्का सा 19-20 टेढ़ा है, ज्यादा ही टेढ़ा है। अच्छा स्टेडियम में सीधा हो गया है, अब हमने कोशिश करने की हम ड्रिफ्टिंग से अवॉइड करें। It was at this moment that he knew he fucked up. जब तक शो नहीं आता लेकिन हमें पता है किसे क्या हुआ। गली के मोड़ पर लगता बने हुए इसीलिए लेकिन हमने कोशिश करनी है। मैंने ये नहीं कहा कि लाजमी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी हमने मिनी डिस्को को बुलाया और जिन को लेकिन वो कह रहा है कि मेरा मसला डाला हुआ, पता नहीं कौन सा इसका मसला डल गया यार। जिससे डिब्बा खरीदना सारा का सारा उसकी बैठ के डील ना कर रहा है आगे चाहिए या नहीं। देखिए भाग का एक कुछ अंधेरे में जो चीज़ आ रही है क्या लो देखे हैं। चेक कर कितनी प्यारी लग रही है पुरानी, लेकिन अगर ये तैयार होगी ना सही वाली तो मज़ा भी आएगा। हाँ हाँ क्या बात है, क्या बात है, उन्हें बनाई है क्या एसी की लाइटें तो इसमें ही लगेंगी। दिखा चाचू सी भी कहाँ गई जो लैम्बोर्डो लग रही थी, हो गई लग गए सही लगे हैं। फेंडर फुंडर बंद हो गए तो फेंडर किसे खोले थे मतलब कोई और पैसे हैं तो हाथ की रोने की बदल गई है। पैसे को छोड़े हमने लैम्बोर्डो लगवा दिया उसको, वो सुना है कि खुशी में वो गाड़ी के दरवाजे खोल के ही गया यहाँ से वापस। हमने अपने पिछले दरवाजे शीशा बंद करे ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ जाए। तो आप लैम्बोर्डो उसके हम आज तो नहीं आपको दिखा सकेंगे लेकिन कल ये नहीं तो सैटरडे को हम आपको लाजमी दिखाएंगे। बाकी सभी गाड़ी पेंट शेंट कराने थोड़े बहुत पैसे वो भी लगा रहा है। चाचा जी के कहने पर हम एक बच्चे का नाम ऐड करते हैं दाऊद, जो यहाँ पे बड़ा जिद कर रहा था। तो दाऊद बेटा लव यू, तू क्यों हंस रहा है। आप लोगों से वो बात करनी थी क्या कि मैं सोच रहा प्रैंक शुरू करें इन ड्राइव में गाड़ी रजिस्टर करें अलग सेट और बिठा के लोगों को ड्रिफ्ट मारे यहाँ कैमरा लगा के रिएक्शन रिकॉर्ड करें। तो आप लोगों हाँ लोगों को और किसको हाँ लोगों को जो भी वट एवर जो भी होता चढ़ गए हमारे आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बताना है और कमेंट्स पे बताना है कि ऐसा करें कि ना करें, आप लोगों की क्या राय है, क्या कहना चाहोगे, आपके तासुरात क्या हैं। आंखों से तो लग रहा आप बहुत असली करंट है पागल हो गया मुझे करंट लगा रहा है असली करंट है यार कसम है हाँ कर तुझे कसम है हाँ कर तुझे तेरी मरी मशहूक की कसम बहुत जोर से लगा ना कर अल्लाह की कसम बहुत जोर से मर जाएगा मैं छाते उमर उस पर लिखा हुआ 220 लिखा हुआ अब 12,000 है। अच्छा ये जो कुछ शीशा भी उतर गया मेरा ये भी मैंने लगवाना है।
अच्छा वो प्रैंक्स वाली बात पे आप लोगों ने गौर करना है और मुझे लाजमी बताना, ठीक है। और मैं आ गया हूँ घर अब, ठीक है। मैंने लाइटें इसके सही नहीं करी क्योंकि रमीज की दुकान बंद थी और रस्ते में इसका वो जाके पता कर लेंगे कि इसको क्या हुआ है। और उसके बाद जिम चलेंगे, जिम जाके थोड़ी मेहनत करेंगे, डाइट लेते हैं भी जाके थोड़ी बहुत, और फिर हुक्का पानी भी आज सोच रहे हम कर ही लेते हैं, बट देर हो गई नहीं किया, शरीफ हो गया और इतने शाफ मुझे पसंद नहीं है। इंटीरियर मॉडिफिकेशन स्टार्ट करने, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अंदर से जो मैंने ये सारा रेड करवाया ये मैं येलो में कन्वर्ट करूँ, ये और सब कुछ, इसको लॉक कर लूँ सब कुछ। आप क्या इसके बारे में कहते हो, ये सीट भी, ये सीटें भी, ये भी सब कुछ, समझ रहे हो ना। मेरा बेटा मुझे मिल गया जो तेरा गया था। अब आपकी अब्बू लग रहा तेरा, देख किधर गायब होते हो आजकल यार, दाढ़ी रख ली, बताया नहीं मुझे। ये सुना आपने कारोबार बड़े बिजनेस खोले थे, लोग पूछे शहीद हो गया वाह फौजी किधर गया। शहीद नहीं है, जिंदा है, टेंशन ना ले, शहीद तो लोग करते हैं। सही जगह पहुंचाते तो हम लोगों को है। सियालकोट हाल देखो क्या हो गया, भाई करीब एक पैर कब्र में एक बाहर है, थोड़ी देर धक्का लगना सीधा ही अंदर, सीधे ही अंदर जाएगा। सही है भाई, सही है, आप सही करते हो। लो जी सुनोई का बंदा मिल गया, इसके बाल बहुत ना सोफों पे लग जाते हैं। मेरे पास वो पड़ा है जिससे बाल होते थे, भी उतार के आया तेरा भाई साथ पे पड़ा है वो, अभी मैंने उसी इधर मुंह कर जरा, ये सुनोई का बंदा मिल गया हमें, इसको आज हमने घर लेके जाना है। कितनी देर लगेगी हमदा भाई, ये कितने महीने का गिरा दिए जी, सारे कोयले गिरा दिए, टूट गए हैं ये, बच गए हैं यार। एदा काम ही ऐसी है, इन्हें मुझे चलाना सी, अल्लाह वाले देख जिनु अल्लाह बचाए थे, ऐसे ऐसे चूड़े बहुत आन गए, चलाना सी बहुत आने चूड़े, इन्हें मुझे चलाने दे, अरे इन्हें मुझे छूटे गया ना लो जी डील हो गया, सिर्फ वहाँ भाई के लिए गाड़ी ना 25 की ना 30 की, एक मिनट गाड़ी बंद करो, ये वहाँ भाई के लिए ऑफर है, ये गाड़ी ना मैं 25 की बेच रहा हूँ ना मैं 20 की बेच रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए की वहाँ भाई के लिए, सिर्फ ये वहाँ को मिलेगा। डेढ़ सौ की दूंगा सोच, उर्दू में कुछ कह रहा है जी, मैं कह रहा हूँ देखो काशिर भाई आपके लिए इतनी अच्छी ऑफर के साथ RX 7 लेकर आए हैं सिर्फ 50 लाख में यार, तो आप क्यों नहीं होके कर रहे भाई, ये मुंह है ही नहीं इस तरह की बातें करने पंजाबी बोलने में गाला काट, तेरा मुंह चाहिए कि दे मुंह ही दे ओके भाई, अरे तेरा अपना घर है, तेरा अपना घर है, क्यों परेशान होता है। तो जी बिल्ला लेके जा रहे हैं सुनोई के लिए, चेक करने हैं कि ये खेलते हैं आपस में के लड़ते हैं, बिल्ले ने बड़ा गुस्सा किया सुनोई पे, बिल्ले ने नहीं किया सुनोई ने, बंदा नहीं क्या हाल है, ठीक ठाक हो, फिट फाट हो, और सुना भी जिम करने जा रहा है, और ये चोरियां मतलब तुम्हें क्या फायदा हुआ, तुमने बच्चे को इतना मारा है, तुमसे छोटा था वो है, बोल ना खड़ी हो मेरे बिल्कुल, इधर मुकर, हाँ इधर मुकर, क्या फायदा हुआ है, इधर मुकर, मुंह इधर कर, क्या फायदा हुआ है, हुआ कोई फायदा, इतनी मुश्किल से मैं लेके आया था उसको, अब उसके घर तुम्हें जाना पड़ेगा 2 दिनों तक, तैयार है ना। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे भाई को याद से फॉलो कर लेना, अल्लाह हाफिज, बाय बाय करो, बाय बाय करना, बाय 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 बाय।
नहीं छेड़ू, नहीं मजा नहीं आ रहा।